हेलो फ्रेंड्स, सो टुडे आर टॉपिक इज़ साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको हायर लेवल तक मिलेगा। सो ये बेसिकली क्या है? साइक्लोट्रॉन साइक्लिक एक्सेलरेटर की कैटेगरी के अंदर आता है। और ये है क्या? ये एक ऐसा इक्विपमेंट है विच इज़ यूज्ड फॉर एक्सेलरेटिंग द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल लाइक प्रोटोन्स, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल एंड हैवियर आयंस टू द डिज़ायर्ड वेलोसिटी। अब इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में हम लोग देखते हैं। आपको एक बेसिक आइडिया हो गया है कि ये साइक्लिक एक्सेलरेटर है और ये सिर्फ हैवी या पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए टू द डिज़ायर्ड वेलोसिटी यूज़ होता है। तो ये इसमें है क्या? ये बेसिकली इसकी कंस्ट्रक्शन की अगर हम ध्यान देते हैं तो इसकी कंस्ट्रक्शन में क्या है, डी शेप्ड दो चेम्बर्स होते हैं। ये होलो मेटेलिक चेम्बर्स हैं दोनों, D1 एंड D2, जिन्हें हम किसका नाम दे रहे हैं, डीज भी कहते हैं इन्हें हम। और ये जो डी है वो क्या है, एक हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर से कनेक्टेड है, ठीक है, विच इज़ जनरेटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली। उसके बाद इन्हें क्या किया गया है, एक मेटेलिक चेम्बर के अंदर एनक्लोज किया गया है और उसे फर्दर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा गया है, दैट इज़ नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। तो जो अगर हम देखें इस कंस्ट्रक्शन को तो हम ये पाएंगे कि जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड हैं बेसिकली दे आर वर्किंग परपेंडिकुलरली टू ईच अदर, ठीक है। अब ये काम कैसे कर रहा है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि मान लीजिए किसी भी इंस्टेंट पी पर, मैं आपको एक रिव्यू इसका जो दे देती हूँ कैसा है। देखिए सबसे पहले इसके अंदर क्या होगा कि आपके जो ये D1 और D2 जिन्हें आप डीज भी कह रहे हैं, होलो डीज, इन्हें कनेक्ट किया गया है हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर से जो कि क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है। किसी भी पॉइंट पे मान लो चार्ज आपका कहाँ पे है, पी पॉइंट पे है, ठीक है। जैसे ही किसी भी इंस्टेंट पे आप लगा लीजिए, जो D2 है आपका क्या है, नेगेटिव है और जो D1 है क्या है, वो पॉजिटिव है। आपका जो चार्ज पार्टिकल है वो पॉजिटिव है, दैट यू नो। अब जो पॉजिटिव है तो किसकी तरफ एक्सेलरेट होगा, ऑफकोर्स नेगेटिवली चार्ज D की तरफ, तो ये D2 की तरफ आपका जो है अट्रैक्ट होगा या एक्सेलरेटेड होगा। और फिर D2 के अंदर जो खाली चेंबर है वहाँ जाकर के ये कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा। ये तो कांस्टेंट स्पीड वेलोसिटी से V से मूव कर रहा है, लेकिन क्या होगा जैसे ये D2 के अंदर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तो इसके ऊपर अब हमारा कौन सा फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई होगा, मैग्नेटिक फील्ड लगेगा। और आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, ये मूविंग चार्ज के ऊपर ही लगता है मैग्नेटिक फील्ड, आपका हमेशा स्टेशनरी के ऊपर नहीं लगता। एक बार जब इलेक्ट्रिक फील्ड ने चार्ज को मूव कर दिया तो अब उसके ऊपर क्या लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली लगेगा। और फिर ये क्या करेगा कि जो पार्टिकल है आपका इनसाइड द डी उसको सर्कुलर पाथ में मूव कराएगा। अब आपका जो पार्टिकल पी है पॉजिटिवली चार्ज, वो D2 के अंदर एक सर्कुलर पाथ या सेमी सर्कुलर पाथ जो उनसा है वो ट्रेस करेगा। और जितना टाइम वो इस सेमी सर्कुलर पाथ को ट्रेस करने में लगाता है ना, उतने ही टाइम में जो इसकी पोलैरिटी है वो चेंज हो जाती है। जितने टाइम में पी वापस यहाँ आएगा सेमी सर्कुलर पाथ ट्रेस करके, उतने टाइम में जो इन डीज की पोलैरिटी है वो चेंज हो जाएगी। जैसे कि D2 पहले नेगेटिव था तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, और जो D1 है वो पॉजिटिव था तो वो नेगेटिव हो जाएगा। अब सेम प्रोसेस दोबारा अप्लाई होगा। अब क्या होगा, जो आपका पी है वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, किसकी तरफ एक्सेलरेट होगा, या कह सकते हैं D1 की तरफ, क्योंकि D1 इस बार नेगेटिवली चार्ज्ड है। इसी को मैंने थ्योरेटिकल पॉइंट्स में अगर मैं थोड़ा समझाऊं आपको, ये कंस्ट्रक्शन थी बेसिकली जिसमें मैंने आपको थोड़ा वर्किंग का भी रिव्यू दे दिया। लेकिन अगर हम इसकी बात करें ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, इट इज़ एक्चुअली बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट व्हेन अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कैन बी एक्सेलरेटेड टू अ सफिशिएंटली हाई एनर्जी विद द हेल्प ऑफ स्मॉलर वैल्यू ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बाय मेकिंग इट टू क्रॉस द सेम इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर टाइम अगेन एंड अगेन विद द यूज ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। इसमें ये क्या कह रहा है कि आप किसी भी चार्ज पार्टिकल को एक डिज़ायर्ड वेलोसिटी या सफिशिएंटली हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी तक मतलब वो कर सकते हैं, एक्सेलरेट कर सकते हैं, किसकी मदद से, एक स्मॉल ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से। यानी अगर आप उस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में से चार्ज को बार बार पास करें तो उसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी टू द डिज़ायर्ड लेवल। वर्किंग में यही है कि फर्स्टली इंस्टेंट में जैसे मैंने आपको उस फिगर के अंदर दिखाया था कि जो D1 था आपका क्या था, जो दो डीज थे, एक D1 था और एक D2 था, उसमें जो D1 था वो क्या था, नेगेटिव पोटेंशियल पे है और D2 क्या है, हम पॉजिटिव, स्टार्टिंग में हम ऐसा मान करके चल रहे हैं, ठीक है। तो जिसलिए जो हमारा चार्ज पार्टिकल है वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। जो पी एट पॉइंट पी दैट इज़ बिटवीन द स्पेस ऑफ द डी प्रोड्यूस हुआ है वो किसकी तरफ एक्सेलरेट होगा, टूवर्ड्स D1, क्योंकि D1 नेगेटिव है। उसके बाद जब वो D1 पे पहुंच गया है ना, उस डी के अंदर पहुंचने के बाद वो क्या करेगा, कांस्टेंट स्पीड या वेलोसिटी वी से मूव करता रहेगा। लेकिन हमें पता है कि यहाँ एक और फील्ड लग रहा है परपेंडिकुलरली, मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी स्ट्रेंथ कितनी है, बी।
तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा इस मूविंग चार्ज के ऊपर जब परपेंडिकुलरली लगेगा, तो जो आपका आयन है या चार्ज है वो क्या करेगा, एक सर्कुलर पाथ फॉर्म करेगा, एक सर्कुलर पाथ ट्रेस करेगा इनसाइड द डी वन विच इज ऑफ रेडियस आर. अगर हम इसको मैथमेटिकली थोड़ा सा वो करें तो ये बी क्यू वी क्या है हमारे पास, ये लॉरेंज फोर्स है बेसिकली, ये मैग्नेटिक फोर्स है जो कि क्या कर रही है, उसे चार्ज या आयन को सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करा रही है. ये सर्कुलर पाथ में आयन मूव क्यों कर रहा है, आप इस बात को सोचिए. देखिए किसी भी पार्टिकल को अगर सर्कल में मूव करना है तो उसे सेंट्रिपिटल फोर्स की ज़रूरत पड़ती है. अगर उसके पास सेंट्रिपिटल फोर्स नहीं है तो कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव नहीं कर सकता. तो हम यहाँ ये फैक्ट रख सकते हैं, ये पॉइंट रख सकते हैं कि जो आपकी लॉरेंज फोर्स है या जो आपकी मैग्नेटिक फोर्स है वो क्या प्रोवाइड कर रही है, नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है. तो ये आपका सेंट्रिपिटल फोर्स का फॉर्मूला है विच इज़ इक्वल्स टू एम वी स्क्वेयर अपॉन आर. सो हम कह सकते हैं कि बी क्यू वी इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वेयर अपॉन आर है. वी से वी कैंसिल करते हैं, उसके बाद ऑन सिंप्लीफिकेशन हमारे पास जो रेडियस है, ये रेडियस आर की वैल्यू आती है कितनी आई है, ये एम वी अपॉन बी क्यू. ये कौन सा रेडियस है, ये वो रेडियस है जो पार्टिकल ने कहाँ फॉर्म किया है, जब वो डी वन के अंदर सर्कल में मूव कर रहा था तो कितना रेडियस उसने कवर किया, इतना रेडियस कवर किया एम वी अपॉन बी क्यू. अब इस रेडियस को कवर करने में उसने कितना समय लिया, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वी विल कैलकुलेट टी विच इज़ इक्वल्स टू टाइम हमें पता ही है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी. तो डिस्टेंस कितना था, सेमी हाफ सेमी सर्कुलर है ना, हाफ सर्कमफ्रेंस उसने कंप्लीट किया, तो पाई आर अपॉन वी. अब इस पाई आर में आर की वैल्यू हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास जो टी की वैल्यू थी वो आ जाएगी, कितनी आएगी, वो पाई एम अपॉन बी क्यू. अब अगर इसे हम रीअरेंज करें तो आप देखेंगे तो इस एम को अगर मैं नीचे लेकर के जाऊँ तो ये पाई अपॉन बी इंटू में क्या बन जाएगा, क्यू बाय एम. जो क्यू बाय एम है वो स्पेसिफिक चार्ज रेशो है और ये हमेशा फिक्स रहती है ना, किसी भी पार्टिकल के लिए ये फिक्स रहती है. तो इसीलिए हमने इस पूरे वेब, पाई भी कांस्टेंट है, बी भी आपका कांस्टेंट है, तो क्यू अपॉन एम भी, तो ये पूरी जो वैल्यू है आपको, इसको मैंने ए ले लिया, कांस्टेंट ले लिया, यानी जो टाइम लग रहा है वो कितना है, फिक्स टाइम लगेगा. एक फिक्स टाइम के बाद, एक फिक्स टाइम में वो जो सर्कुलर पाथ कवर करने के बाद जो आपका पार्टिकल है वो दोबारा कहाँ अपीयर होगा, उस गैप के अंदर विच इज़ बिटवीन द डीज. और ये जो टाइम है इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ स्पीड ऑफ द आयन एंड रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ. उसके बाद हम देखते हैं फर्दर वर्किंग क्या है. अभी तो सिर्फ ये डी वन के अंदर गया और वहाँ जो इसने सर्कुलर पाथ फॉर्म करना था वो कर लिया. उसके बाद क्या होगा, द टाइम ड्यूरिंग विच पॉजिटिव आयन डिस्क्राइब द सेमी सर्कुलर पाथ इनसाइड द डी वन इज इक्वल्स टू द टाइम ड्यूरिंग विच द हाफ साइकिल ऑफ द इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर इज कम्प्लीटेड. तो यहाँ आप देखेंगे ये जो सबसे मेजर पार्ट है इसका, कि ये टाइम रेजोनेंस की बात जो हम यहाँ कर रहे हैं, कि जितने समय में जो आपका पार्टिकल है वो डी वन के अंदर सर्कुलर पाथ फॉर्म करता है, उतने ही समय में जो आपका इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर है उसकी हाफ फ्रिक्वेंसी, हाफ साइकिल है जो कम्प्लीट हो जाता है. और जैसे ही आपका जो आयन है वो गैप के अंदर अपीयर होगा बिटवीन द टू डीज, तो जो पोलैरिटी है वो दो डीज की रिवर्स हो चुकी होगी उतने ही समय में. यानी जो डी वन पहले पॉजिटिव था वो अब नेगेटिव होगा, सॉरी, और डी टू क्या, जो डी वन है वो पॉजिटिव होगा और जो डी टू है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा. तो अब जो आयन है नेक्स्ट वर्किंग में क्या होगा, किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, डी टू की तरफ अट्रैक्ट होगा. जैसे ही वो डी टू में एंटर करेगा, अब आप ये देखिए यहाँ ये बात समझने वाली है कि जो फर्स्ट साइकिल था जिसके दौरान वो डी वन में गया, तो उसने जितनी भी मतलब यू नो वेलोसिटी अटेन की थी वो उसी वेलोसिटी के साथ घूमता हुआ डी टू में एंटर करेगा. और डी टू में जाने के बाद जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके ऊपर दोबारा काम करेगा और वो एक लार्जर सर्कल बनाएगा विद ग्रेटर रेडियस दिस टाइम. तो इस तरह करके एवरी साइकिल के अंदर उसकी जो स्पीड है वो इंक्रीज होगी और उसका जो सर्कल है जो वो पाथ डिस्क्राइब कर रहा है इनसाइड द डीज वो भी बढ़ता चला जाएगा. इससे हमें पता लगेगा कि जो चार्ज है वो हर साइकिल में एक्सेलरेट हो रहा है, हर साइकिल में उसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रही है. तो इसके बाद जब हम देखेंगे कि जब आयन है वो सेमी सर्कुलर पाथ जो है इनसाइड डी टू बना रहा है ड्यू टू द परपेंडिकुलर फील्ड, एंड अगेन जब वो गैप के अंदर आता है बिटवीन द टू डेज के डीज के, विच इज़ एग्जैक्टली एट द इंस्टेंट व्हेन द पोलैरिटी ऑफ द डीज इज़ रिवर्स. सो इस तरह जितने भी नंबर ऑफ साइकिल, हर साइकिल के अंदर ये प्रोसेस जाएगा. पहले वो डी वन में जाएगा है ना, फिर सर्कल करके डी वन से बाहर आएगा, उतने में डी वन की पोलैरिटी जो है चेंज हो जाएगी. तो इस बार वो जो डी टू की, फिर नेक्स्ट साइकिल में वो डी टू की तरफ अट्रैक्ट होगा, वहाँ जा कर के वो सर्कुलर पाथ जो है फॉर्म करेगा. हर साइकिल के अंदर हर डी में मूव करते हुए जो उसकी
वेलोसिटी है, उसकी एक्सेलरेशन है, जो वेलोसिटी इंक्रीज होगी और वो एक्सेलरेट होगा. सो दिस इज़ हाउ वी कैन इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ आर आयन टू अ डिज़ायर्ड वैल्यू. तो इस तरह ये जो साइक्लिक एक्सेलरेटर है वो बेसिकली काम करते हैं कि इस जो पॉजिटिव आयन है वो हर साइकिल में जा कर के एक्सेलरेट होता रहता है. अब क्या करना है, जो आपका आयन है वो चलो डिज़ायर्ड वैल्यू तक एक्सेलरेट हो गया, अब उस एक्सेलरेटेड आयन को आपने बाहर निकालना है. कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमने डीज में एक विंडो प्रोवाइड की है जिसके अक्रॉस हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं. तो जो जो पार्टिकल है वो क्या करेगा, वो बाहर आ जाएगा. उसके बाद हम क्या करना चाह रहे हैं, पार्टिकल आपका एक्सेलरेट हो गया है ना, एक स्टेशनरी चार्ज को आपने मूव करा दिया किसी भी वेलोसिटी से डिज़ायर्ड लेवल की. अब ये कहाँ यूज़ होते हैं, बेसिकली आपने किसी भी सैंपल पे बम्बार्डिंग करनी है ना, कोई रिएक्शन कैरी आउट करनी है, तो उसके लिए ये एक्सेलरेटेड चार्ज और आयन्स की ज़रूरत पड़ती है. तो उन्हें एक्सेलरेट करने के लिए ही हम ये एक्सेलरेटर्स का यूज़ करते हैं, जो कुछ लीनियर होते हैं कुछ साइक्लिक होते हैं. तो जो ये साइक्लोट्रॉन है वो साइक्लिक एक्सेलरेटर की कैटेगरी में आता है. तो आपने जो चार्ज है वो बाहर निकाल लिया, उसके बाद हम देखते हैं कुछ मैथमेटिकल हमारे पैरामीटर्स हैं कि मैक्सिमम एनर्जी कितनी पॉजिटिव आयन ने गेन कर ली. लेट वी नॉट एंड आर नॉट बी द मैक्सिमम वेलोसिटी एंड द मैक्सिमम रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ फॉलोड बाय द पॉजिटिव आयन इन साइक्लोट्रॉन. अब वही हमें पता है कि जो वेलोसिटी है, सॉरी जो ये है सेंट्रीपिटल फोर्स है, एम वी नॉट अपॉन वी नॉट स्क्वेयर अपॉन आर नॉट इज इक्वल्स टू दैट ऑफ द लॉरेंज फोर्स बी क्यू वी नॉट, है ना, क्योंकि हमने जो रेडियस है वो आर नॉट लिया है और जो वेलोसिटी है वो वी नॉट लिया है. अब इसमें से हम ऑन सिंप्लीफिकेशन वी नॉट को अगर बाहर करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, बी क्यू आर नॉट अपॉन एम. और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वेयर. जो वी नॉट की वैल्यू मैंने यहाँ निकाली है वो वी नॉट स्क्वेयर यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे हम और हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का ये एक्सप्रेशन आ जाएगा. तो देखिए अब इसकी कुछ जो लिमिटेशंस भी हैं, सॉरी मतलब साइक्लोट्रॉन फ्रिक्वेंसी, सॉरी मैं आपको कैलकुलेट करेंगी, हमने एनर्जी कैलकुलेट की थी. आपको पता है कि जो टोटल टाइम पीरियड है, जो स्मॉल टी हमने लिया था तो वो किसका लिया था, वो तो टाइम पीरियड था कि जो एक आयन डी वन के अंदर जितना टाइम ले रहा है ना अपना पूरा जर्नी कंप्लीट करने के अंदर. लेकिन अगर मैं टोटल टाइम पीरियड की टी कैपिटल टी की बात करूँ तो वो किसके बराबर होगा, टू टी की, क्योंकि उसे दो डीज के अंदर अपना जौन सा है वो पाथ कवर करना है. और टी की वैल्यू हमने वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड किसके बराबर आई थी, ये पाई एम अपॉन बी क्यू. तो जो ये टी कैपिटल टी है वो टोटल टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन हो जाएगा. और साइक्लोट्रॉन फ्रिक्वेंसी निकालनी है तो फ्रिक्वेंसी का एक्सप्रेशन होता है न्यू इज इक्वल्स टू वन अपॉन टी, कि टाइम का जैसा आपने रिवर्स ले लेना तो ये क्या होगा, बी क्यू अपॉन टू पाई एम, ये साइक्लोट्रॉन फ्रिक्वेंसी आ जाएगी. अब साइक्लोट्रॉन हमने देख लिया कि ये काफ़ी यूज़फुल है हमारे लिए, कि एक्सपेरिमेंटल उसके अंदर हमारा जो फिजिक्स के अंदर इसकी बहुत ज़्यादा उपयोगिता है. लेकिन अब इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं कि क्या हम ये सारे चार्ज पार्टिकल्स को इससे क्या है कि एक्सेलरेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते. अब हम देखेंगे क्या है इसकी जो लिमिटेशंस. पहली लिमिटेशन से है कि ये न्यूट्रल पार्टिकल के लिए नहीं है, ये यानी कि जो न्यूट्रल पार्टिकल है जैसे न्यूट्रॉन्स वगैरह हैं उन्हें एक्सेलरेट ये नहीं कर सकता. क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि आपने देखा होगा कि यहाँ सारा खेल चार्ज पार्टिकल का था, कि जो चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव था और वो अट्रैक्ट या एक्सेलरेट किसकी तरफ हो रहा था, नेगेटिव की तरफ, है ना. तो यहाँ जब चार्ज ही नहीं होंगे तो पार्टिकल कहाँ जाएगा, किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, है ना. तो इसीलिए ये जो न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल के लिए, न्यूट्रल पार्टिकल के लिए ये नहीं है, उन पे ये काम नहीं करता, उन्हें एक्सेलरेट नहीं किया जा सकता विद द यूज़ ऑफ साइक्लोट्रॉन. सेकेंड है कि ये सिर्फ हैवी पार्टिकल को ही एक्सेलरेट करता है, लाइट पार्टिकल्स को ये एक्सेलरेट नहीं करता. जैसे इलेक्ट्रॉन है, लाइट पार्टिकल है, उन्हें एक्सेलरेट नहीं किया जा सकता. प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, अल्फा पार्टिकल हो गया, जो हैवी पार्टिकल्स हैं सिर्फ उन्हें ही एक्सेलरेट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ साइक्लोट्रॉन. क्योंकि वो हैवी, एक तो क्या है इलेक्ट्रॉन्स जो उनसे हैं वो हैवी नहीं होते, काफ़ी हल्के होते हैं, उनकी स्पीड ज़्यादा होती है, और जो रेजोनेंस हमें चाहिए टाइम एंड स्पीड रेजोनेंस वो हम अटेन नहीं कर पाते उनके अंदर. तो इसीलिए उन्हें एक्सेलरेट करना इसकी मदद से पॉसिबल नहीं है. सेकेंड और जो थर्ड हमारा कन्विंसिंग स्टेटमेंट है कि किस तरह से ये काम नहीं करता. देखिए आप अगर एक आयन को आप एक्सेलरेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सेलरेटर, ठीक है, हर साइकिल के अंदर उसकी स्पीड बढ़ रही है, है ना. एक स्टेज के ऊपर आकर के हम कहते हैं कि उसकी जो स्पीड है आयन की किसके कंपेरेबल हो जाती है, स्पीड ऑफ द लाइट के कंपेरेबल हो जाती है, कि वो इतनी स्पीड अटेन कर लेता है विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ साइकिल्स.
तो अगर उसकी जो स्पीड कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट है तो उसका जो मास भी कैसे चेंज होना चाहिए, इट शुड चेंज अकॉर्डिंगली. एम इज इक्वल्स टू एम नॉट अपॉन अंडर द रूट वन माइनस वी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर रेस्ट मास के फॉर्म में चेंज होगा. अगर इसी एक्सप्रेशन को मैं क्या करती हूँ, टी के अंदर पुट करती हूँ, जो हमारा टाइम पीरियड था टेकन बाय द पार्टिकल टू ट्रेस द सेमी सर्कुलर पाथ इन साइड द डी वन, तो मैं ये आता है हमारा एक्सप्रेशन और इसमें मैं एम को सब्स्टिट्यूट करूँ तो मेरे पास कुछ ये आएगा. देखिए जैसे इस एक्सप्रेशन को अगर मैं ध्यान में दूँ तो जैसे जैसे मेरा वी बढ़ेगा तो ये वी अपॉन सी पूरी की पूरी वैल्यू क्या होगी, कम होगी, जिसकी वजह से क्या है आपका जो ये टी है वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा. तो हम कह सकते हैं कि जो टाइम अगर इंक्रीज करेगा तो हमारा जो रेजोनेंस है वो ब्रेक कर जाएगा और जो आयन है इट विल टेक मोर टाइम टू डिस्क्राइब द सेमी सर्कुलर पाथ इन साइड द डी. अगर वो डी के अंदर ही टाइम ज़्यादा लगा देगा तो गैप में जब वो आएगा तो जो रेजोनेंस हम चाह रहे थे वो ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि पहले हमारा जो टाइम था वो फिक्स था कि जितने टाइम में आपका जो सा ये पाथ जो आयन है वो सेमी सर्कुलर पाथ कंप्लीट करके गैप में वापस आता है उतने ही टाइम में, एग्जैक्ट उतने ही टाइम में जो आपकी डीज हैं उनकी पोलैरिटी रिवर्स हो जाती है ताकि वो नेक्स्ट नेक्स्ट साइकिल में नेक्स्ट डी की तरफ अट्रैक्ट हो सके. लेकिन अगर आपका जो पार्टिकल है वो एक ही डी में ज़्यादा टाइम लगा रहा है और पोलैरिटी पहले चेंज हो जाएगी, आपका पार्टिकल अभी गैप में आया नहीं, तो हम देखेंगे तो जो रेजोनेंस था वो ब्रेक हो जाएगा जिसकी वजह से क्या है ये काम नहीं करेगा. तो हम इसे ये देख सकते हैं कि आप एक्सेलरेट तो कर सकते हो पार्टिकल को बट अप टू अ सर्टेन वेलोसिटी, वो इतनी नहीं हो सकती कि वो कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट हो जाए, स्पीड ऑफ लाइट से वो वेरी वेरी स्मॉल ही रहेगी. तो इसमें एक और हम लिमिटेशन की तरह भी इसको देख सकते हैं कि इसमें जो साइक्लोट्रॉन के अंदर जो आयन है उसे एक सर्टेन लिमिट तक ही एक्सेलरेट किया जा सकता है, कि बियॉन्ड दैट लिमिट हम उसको एक्सेलरेट नहीं कर सकते. सो दिस इज़ ऑल अबाउट साइक्लोट्रॉन. सो होप यू लाइक द वीडियो. इफ़ यू लाइक इट डोंट फॉरगेट टू press the subscribe button and feel free to use the comment section given below if you have any sort of query or question regarding this. Thank you.